हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। देवी, देवी कैकेयी, क्या हुआ बताओ, क्या बात है? अरे ये क्या वेश बना रखा है बताओ, कुछ बोलो भी। यह क्रोध की अग्नि किसने भड़काई? किसने तुम्हारा अपमान किया है? ऐसा कौन है जिसकी मृत्यु उसे बुला रही है बताओ। कैकेयी, देखो हमसे तुम्हारा यह चुप रहना सहन नहीं हो रहा है। तुम जानती हो कि तुम हमें प्राणों से भी प्रिय हो। तुम जो कहो वो कर सकते हैं, जो चाहो वो तुम्हें दे सकते हैं। यदि तुम चाहो तो राजा को भिखारी बना सकते हैं या भिखारी को राजा। देवी, जहां तक सूर्य का चक्र घूमता है वहां तक सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। द्रविड़, सिंधु, सोवी, सौराष्ट्र, दक्षिण के प्रदेश तथा अंग, बंग, मगध, मत्स्य, काशी और कौशल, इन सब पर मेरा अधिकार है। इतने बड़े साम्राज्य में जो भी सबसे मूल्यवान वस्तु हो मांग लो, हम तत्क्षण तुम्हें दे देंगे। परंतु हमसे यूं मुंह ना मोड़ो, तुम रूठ जाओगी तो हम जिएंगे किसके सहारे। देवी, मांगो क्या चाहिए, हम तुम्हें वचन देते हैं जो मांगोगी इसी क्षण देंगे। देंगे देंगे सदा ही कहते रहते हैं आप, कभी कुछ दिया भी है? आज नए वचनों को लेकर आ गए, अभी तक तो आपने पुराने वचन पूरे नहीं किए, मैं इन नए वचनों को लेकर क्या करूंगी? देवी, कौन से पुराने वचन पूरे नहीं किए? देखा, वो भी भूल गए। महाराज, जब देवासुर संग्राम हुआ था आप देवराज इंद्र की सहायता के लिए गए थे। असुर शंबर के साथ वहां जो युद्ध हुआ था उस समय मैं आपके रथ की सारथी बनी थी।
याद है या वो भी भूल गए? हाँ हाँ याद है। ऐसी कुशलता से तुमने युद्ध भूमि में रथ चलाया था कि बड़े बड़े योद्धा चकित रह गए। और उस युद्ध में जब आप बर्छी लगने से घायल होकर मूर्छित हो गए थे, यदि मैं उस समय शत्रुओं के बीच में से रथ निकाल कर ना ले जाती तो आपके प्राण ना बचते। मैं रथ को एक निर्जन स्थान पर ले गई, वहां आपकी सेवा शुश्रूषा की, उससे आपकी मूर्छा भंग हुई, आपके प्राण बचे और आपको नया जीवन मिला था, याद है ना? याद है, सब याद है। उस दिन से हम अपने प्राणों को तुम्हारी ही धरोहर मानते हैं। जब चाहो तुम पर अपने प्राण न्योछावर कर देंगे। आपके प्राणों को लेकर मैं क्या करूंगी? मैं तो केवल इतना याद दिलाना चाहती हूँ कि उस समय आपने कहा था, प्राण पिए, तुमने मेरी प्राण रक्षा की है, मैं तुम्हें दो वरदान देता हूँ, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? हाँ हाँ। किंतु मैंने कहा था, महाराज मेरे ये दोनों वरदान अपने पास धरोहर स्वरूप रहने दीजिए, जब आवश्यकता होगी मांग लूंगी। हाँ, हमें आज ये आभास हो रहा है कि हमने उस समय कंजूसी की। तुमने जैसी वीरता दिखाई थी उसके लिए दो नहीं तुम्हें चार वर देने चाहिए थे। चार? महाराज कहो। अभी तो आप दो ही पूरे कर दीजिए तो बहुत है। परंतु उनके पूरा करने में अड़चन क्या है? तुम अभी मांगो, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि जो मांगोगी तत्काल उसे पूरा कर देंगे। मैं बहुत सुन चुकी इस तरह की बातें, अब मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं रहा। देवी, एक रघुवंशी की बात का भरोसा नहीं? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज, ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों को रहने ही दीजिए। देखो, तुम हमें प्राणों से भी प्यारी हो, हम तुम्हारी शपथ लेते हैं। मेरी शपथ? हाँ। मुझसे भी प्यारा कोई और तो होगा? हाँ, राम। तो राम की शपथ क्यों नहीं ली? राम की शपथ? ठीक है, तुम्हारे लिए हम राम की शपथ लेकर कहते हैं कि जो मांगोगी इसी समय देंगे। देंगे? हाँ हाँ, परंतु इससे पहले तुम्हें हमारी एक बात माननी होगी। क्या? पहले ये भयंकर वेश उतारो, कोप भवन से बाहर निकलो और अपनी वही मोहिनी छवि हमें दिखाओ जिसे देखकर हमारी दशा वही होती है जो चंद्र को देखकर चकोर की होती है। लेकिन आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, कहीं अब तो हम राम की शपथ ले चुके हैं। उठो, एक बार उसी मोहिनी मूर्ति के दर्शन करा दो, तुम्हारे दोनों वर तत्काल पूरे हो जाएंगे। हाँ। कल से हम अयोध्या के सबसे व्यस्त व्यक्ति होंगे, संभव है कई कई दिन हम तुमसे मिल भी ना सके, क्योंकि सारे राज की चिंता हमें होगी। इतनी चिंता तो महाराज को भी नहीं होगी। नहीं होनी चाहिए, हमारे होते हुए उन्हें चिंता करनी पड़े तो हमारा क्या लाभ? राजा के सर पर जो बोझ होता है उसे कम करना ही हमारा कार्य है। सेवक का धर्म, सैनिक का कर्तव्य, सीमा की सुरक्षा, हर क्षेत्र में हमें ही सचेत रहना होगा। और एक क्षेत्र को तो आप बिल्कुल भूल गए। उर्मिले, तुम तो हमारे उर्मे व्याप चेतना हो, हमारी प्रेरणा हो। बातें बनाना तो आपको बहुत आता है। देखो प्रिय, भैया भरत और रिपुदमन होते तो थोड़ा भार उन पर भी होता। हम माता केकई से कहेंगे कल ही भरत भैया को बुला लें, जिससे लक्ष्मण अपनी उर्मी के लिए थोड़ा समय निकाल सके। अब लगती हो दशरथ के हृदय आसन पर विराजमान एक साम्राज्ञी।
आओ बैठो मेरे पास। सुनो, सारे नगर में कैसी हर्ष ध्वनि हो रही है, प्रजा राम का राज्य अभिषेक मना रही है। वो तो मैं सुन ही रही हूं, किंतु आप पहले मेरी अधूरी बात तो पूरी कीजिए। मेरे वो दो वरदान। आज्ञा करो, बोलो क्या चाहिए। आज अपने राम के नाम पर सब कुछ न्योछावर कर देंगे। मांगो, जो चाहो मांग लो। मुझे तो बस मेरे दो वरदान चाहिए। पहले ये मांगू या ये मांगू? कोई भी जो चाहो। आप ही बताइए। ये मांग लो। मांगू? हाँ हाँ। मेरा ये वरदान कहता है, अयोध्या का राज मेरे पुत्र भरत को मिले, राम को नहीं। क्या? भरत को? हाँ महाराज, भरत को। और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। क्या? राम को वनवास? हाँ महाराज, 14 वर्ष तक राम तपस्वी की तरह मुनि वेश में वन में रहे, उनका किसी भी नगर में जाना वर्जित हो। निपात सा क्या हो गया? ऐसा तीर सा क्यों झुक गया महाराज? मेरे दो वरदान आपके पास धरोहर स्वरूप थे, सो मैंने जो मनचाहा मांग लिया। यदि आप ना देना चाहें तो मत दीजिए, तोड़ दीजिए अपना वचन। सारे संसार में आपका ही अपयश फैलेगा। फिर धर्म और सत्य का नाम अपनी जिह्वा पर कभी मत लाइएगा। कह गई? जानती हो तुम क्या मांग रही हो? भली भांति जानती हूं महाराज मैं क्या मांग रही हूं। नहीं नहीं, ये कैसे संभव हो सकता है? ये वर मैं कैसे दे सकता हूं? बड़ी उदारता से, बड़ी सत्यवादी बनकर, क्या सोचकर आपने कहा था? मांगो, क्या मांगती हो, जो चाहे मांगो। क्या सोचा था आपने कि ये भोली भाली कहके थोड़ा सा चना चबे ना मांगेगी? अरे मैं एक राजा की पुत्री हूं, एक राजा की धर्मपत्नी हूं। एक राज्य से भी भला कम क्या मांग सकती हूं? ये नहीं सोचा था आपने? सोचना चाहिए था पर सोचा नहीं। इसमें तुम्हारा दोष नहीं, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे असली रूप को नहीं पहचाना। मैं जिसे एक हीरे का हार समझकर गले से लिपटाए फिर रहा था, वो एक नागिन निकली। महाराज, आप तो स्त्रियों की तरह गाली देने लगे। कैसे वीर पुरुष हैं आप। मुझे तो आप पे हंसी आ रही है।
तुम क्या हंसोगी? हंसेगा तो सारा संसार मुझ पर रानी, जब लोग कहेंगे कि बूढ़ा स्त्री के मोह में ऐसा अंधा हो गया कि राम जैसे धर्मात्मा पुत्र को वन में भेज दिया, तो उन्हें क्या उत्तर दूंगा? और जब कहीं किसी वीर पुरुषों की सभा में आपसे कोई पूछेगा कि जिस स्त्री ने आपके प्राणों की रक्षा की, जिसके आप ऋणी थे, जिसे आपने अपने धर्म की शपथ लेकर वचन दिया था, जब उस बिचारी ने आपसे उन वचनों को पूरा करने के लिए कहा, तब आपने अपने वचन से कायरों की तरह मुंह फेर लिया और हारे हुए जुआरी की तरह तिल मिला उठे, तब आप क्या उत्तर देंगे महाराज? स्वर्ग में बैठे हुए आपके पूर्वज आपकी कितनी शोभा बखानेंगे? कह गई, तुमने मुझे कहीं का नहीं रखा, कहीं का नहीं रखा। नारी तो देवी का रूप होती है, परंतु तू हमारे कुल का नाश करने आई है। हे भगवान, मैंने ऐसी नारी का विश्वास क्यों किया? इतना संताप क्यों कर रहे हैं महाराज? मैं कोई मोल ली हुई तो नहीं आई, या भरत आपका पुत्र नहीं? ठीक है, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि आप अपना वचन पूरा नहीं करना चाहते। कान खोल कर सुन लीजिए, राम के अभिषेक से पहले आपको मेरी चिता को अग्नि देनी होगी। आज अयोध्या के राजद्वार से राम या तो वन जाएगा या कैकेयी की अर्थी निकलेगी, क्योंकि ऐसे अधर्मी वचन भंग करने वाले का पुरुष पति की पत्नी कहलाने से तो अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। ऐसे कठोर वचन मुंह से ना निकालो प्रिय, किसने तुम्हारे मन में ऐसी दुर्भावना पैदा कर दी? किसने हमारे प्रेम और विश्वास में यह विष खोला है? भरत और राम तो मेरी दो आंखें हैं। तुम भरत को राज्य देना चाहती हो तो मुझे स्वीकार है, मेरे राम को राज्य का लोभ नहीं है, उसने तो राज्यसभा में भी इनकार कर दिया था। भरत यदि राजा बनना चाहे तो मैं सवेरे ही भरत शत्रुघ्न को बुलवा लूंगा, दूसरी लगन शोध कर भरत को राज्य दे दिया जाएगा। परंतु राम को वनवास देने की बात अपने मन से निकाल दे, अपना दूसरा वरदान वापस ले ले रानी, वापस ले ले। नहीं महाराज, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। यदि आपको देने हैं तो दोनों वचन देने होंगे। मैं आज ही राम को वन जाते हुए देखना चाहती हूँ। रानी, तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं अभी तेरे चरणों में डाल दूंगा, किंतु राम के विरह में तू मुझे मत मार। रानी, महाराज, राम यदि इतना ही प्यारा था तो उसके शपथ लेकर मुझे वचन देने की क्या आवश्यकता थी? बड़े उदार बनकर, दानी बनकर किस बल पे कहा था, मांग मांग कैकेयी, जो चाहती है दूंगा। महाराज दशरथ, रघुवंश शिरोमणि, आपकी वो रघुकुल की रीति कहां चली गई? प्राण जाए पर वचन न जाए। क्या वो झूठा थोथा प्रलाप था, अनर्गल बातें थी, वो सब मिथ्या थी, झूठ था, या आपका रचाया हुआ प्रपंच था? उत्तर दीजिए।
हे भगवान, तूने मुझे कहां कुठोर लाकर मारा है? अब मैं राम को क्या मुंह दिखाऊंगा? किस मुंह से कहूंगा कि राम, तू अब राज्य का अधिकारी नहीं रहा? हे राम, आपने अपने कक्ष में ही भगवान को इस तरह बिठा रखा है कि स्वयं भी बाहर नहीं निकलती। थोड़ा झांक कर तो देखिए, सारे नगर में कैसी दीपमाला हो रही है। मैं जानती हूँ, आज सारी अयोध्या जाग रही है। प्रात राम का राज्याभिषेक होगा। इसी खुशी में प्रजावासी अपने नए राजा के लिए मंगल गीत गा रहे हैं। यही बैठे बैठे सुन लिया? तनिक महल की छत पर चलकर अपनी आंखों से देखो भी तो सही। नहीं सुमित्रा, इस समय मैं राम के कल्याण के लिए विष्णु नाम का जप कर रही हूँ। सूर्योदय से पहले 100,000 जप करके फिर आरती करूंगी, जिससे राज्याभिषेक के लिए जाते हुए जब राम यहाँ आए तो सबसे पहले विष्णु चरणों के सिंदूर से मैं उसका तिलक करूँ। फिर राज तिलक में नजर नहीं लगेगी, कुदृष्टि का भय नहीं रहेगा। हाँ, तो सुबह आरती में जरूर आना। मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, तुझे हाथ जोड़ता हूँ। रानी, रानी थोड़ा सोच, थोड़ा विचार कर। तेरे मन की ममता, नारी हृदय की कोमलता कहाँ गई? तूने राम को सदा सगी माँ से बढ़कर प्यार किया है, और राम ने भी तुझ में और अपनी माँ में कोई भी अंतर नहीं रखा। देख, देख अंत में तू बहुत बड़े कलंक की भागी बनेगी। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, ये कुटिल कठोर विचार मन से निकाल दे। मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, तेरे पैर पड़ता हूँ। अब अधिक प्रपंच मत कीजिए महाराज। धर्म हो या अधर्म, यश मिले या अपयश, मैं मेरे भरत की सौगंध खाकर कहती हूँ, राम को वन में भेजने के सिवाय मैं किसी और वर से संतुष्ट नहीं हो सकती। फिर ये प्राण नहीं रहेंगे? अरे निर्दयी, निष्ठुर, सूर्य के बिना ये संसार रह सकता है? जल के बिना मछली रह सकती है? किंतु राम के बिना दशरथ के प्राण नहीं रह सकते। तो तोड़ दीजिए अपना वचन। आप उन रघुवंशियों में से नहीं हैं जिन्होंने अपना वचन निभाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे डाली। एक पंछी के प्राण बचाने के लिए अपनी बोटी बोटी कटवा दी। आप उन रघुवंशियों में से तो है नहीं, आप तो रघुवंश के कलंक हैं, कलंक। कैकेयी, जीवन भर के प्रेम का अंत इस प्रकार करेगी? देख, देख, तेरा ये त्रियाहट तेरा ही सर्वनाश कर डालेगा, तेरा ही सर्वनाश कर डालेगा। हो जाए सर्वनाश, आ जाए महाप्रलय, किंतु राम अवश्य बन जाएगा। अरे हत्यारी, कुलघातनी, ये तू नहीं बोल रही है, ये दशरथ का काल बोल रहा है। दशरथ का काल बोल रहा है, दशरथ का काल बोल रहा है। फिर
मूर्छित हो गए। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, भोर होने से पहले हर एक द्वार पे दीप मालाएं होनी चाहिए, सारे महल में दीप ज्योति जलनी चाहिए। ये संगीत जागो हे नव प्रभात आयो, प्रभात आयो, प्रभात आयो। भाई आज की आ गया है, संगीत बंद कर दो। राम 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 राम। महाराज अब उठिए भी, यह धरती पर पड़े पड़े यूं स्त्रियों की तरह विलाप ही करते रहेंगे। प्रभात होने को आई, पुरुष बनकर उठिए, राजा बनकर सिंहासन पर विराजमान होइए। अभी मंत्रीगण आते ही होंगे, उन्हें अपना बदला हुआ निर्णय नहीं सुनाएंगे। उठिए महाराज, उठिए। मंगल कलश भरे योगीश्वर लेके चले सब नदियों का जल, साधु साधु सब साधु उचारे विधि कर सब विधि राम का मंगल। आप लोग भी वहां रख दीजिए, आप यहां विराजमान हो जाइए। हाँ विराजमान हो जाइए। गुरुवर आर्य सुमन अभिषेक के लिए पुण्य तीर्थों से पवित्र जल आ गए, दूसरी समस्त सामग्री भी एकत्रित कर लिए। गुरुवर आश्चर्य है महाराज अभी तक क्यों नहीं आए। तनिक जाकर देखिए आर्य सुमन, निर्धारित पुष्य नक्षत्र में अभिषेक हो जाना चाहिए, इसलिए सबसे पहले महाराज को अग्निहोत्र करके संकल्प लेना आवश्यक है, तत्पश्चात विधि पूर्वक राज्यसभा में जाना होगा। राम को भी संदेश भेजिए कि वो और सीता तैयार होकर हमारे आदेश की प्रतीक्षा करें। जो आ गया गुरुदेव। जय हो सूर्यवन शिरोमणि, महादेवी कैकेयी की जय हो। युवराज श्री राम के राज अभिषेक की पूरी तैयारियां हो चुकी है, कुल गुरु विशिष्ट प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपा यज्ञशाला में चलकर आप इस शुभ कार्य का आरंभ कराइए। सुम
क्या बात है महाराज? माँ देवी, महाराज की यह दशा क्या कारण है? इनके मन की तो यही जाने, सारी रात राम को याद करते रहे। आप कृपा करके राम को बुला लाइए। आर्य सुमंत्र, जाइए राम को बुला लाइए। क्षमा महादेवी, महाराज की आज्ञा सुने बिना मैं कैसे जा सकता हूं? राम को बुला। जो आ गया महाराज। राम, किस चिंतन में खोई थी सीते? कुछ नहीं, मैं तो आपके अभिषेक की कल्पना कर रही थी। नहीं, कुछ और भी था। चिंता कुछ गहरी थी? मैं सोच रही थी, आज इस मस्तक पर राज मुकुट सुशोभित होने के पश्चात आप प्रजा की धरोहर हो जाएंगे, फिर मेरा आप पर कितना अधिकार रह जाएगा? इतने बड़े राजा के दरबार में फिर सीता का स्थान कहाँ होगा प्रभु? तुम्हारा स्थान सदा राम के हृदय में है सीते। मैं आपकी नहीं, मैं तो राजा रामचंद्र की बात कह रही थी। उसकी चिंता करके भी तुम राजा राम के साथ अन्याय कर रही हो अर्धेश्वरी। राम चाहे राज सिंहासन पर हो या कुशा के आसन पर, हर स्थान पर राम सीता के बिना अधूरा रहेगा। युवराज की जय हो। क्या है सुनंदा? महामंत्री आवश्यक संदेश लेकर उपस्थित हुए हैं, तुरंत दर्शन करना चाहते हैं। देखें क्या बात है, निश्चय ही राज्याभिषेक संबंधी कुछ कार्य होगा। प्रणाम आर्य सुमंत्र। यशस्वी हो युवराज। दिग दिगंतक प्रताप बना रहे, महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। कोई विशेष आदेश? कुछ विशेष ही लगता है, महाराज अभी तक महारानी कैकेयी के भवन में है और महारानी ने आपको शीघ्र आने के लिए कहा है। तात स्वस्थ तो हैं? बस बुलाया है, आपको देखना चाहते हैं। अच्छा, ये क्या है? आज आप राज सिंहासन पर बैठेंगे, इसलिए परंपरा के अनुसार अब आप जिस स्थान पर भी जाएंगे इस छत्र छाया में ही जाएंगे। अच्छा, अब आप महाराज के पास जाइए, मैं यज्ञशाला में जाता हूं। प्रणाम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरुपति मन भावन। पुनि पुनि कीर्तने हो सुने सुनाए, यकी प्यास बुझत न बुझाए।
सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस अरुपति मन भावन। जीते रहो। पिताश्री, आपकी आज्ञा से मैं राम आपकी सेवा में उपस्थित हूं। मेरे लिए क्या आदेश है? आप कुछ स्वस्थ नहीं दिखते। पिताजी को क्या कष्ट है मां? उनकी अस्वस्थता का क्या कारण है? मैं राजवैद्य को बुलाऊं? इनके रोग की दवा राजवैद्य के पास नहीं, तुम्हारे पास है राम। मेरे पास? परंतु रोग क्या है? तुम्हारा मोह, तुम्हारा स्नेह, जिसके कारण आज ये सूर्यवंश की कीर्ति को कलंक लगाने के लिए तैयार है। माता, मुझे क्षमा करें। पिताश्री के लिए आपके श्रीमुख से वचन उचित नहीं। मेरे पिता जैसा धीर और वीर पुरुष आज इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। वो गुणों के भंडार और सत्यवादी हैं, जिनकी कीर्ति आज तीनों लोकों में फैली हुई है। वो अपने इस सेवक के मोह में ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जिससे सूर्यवंश की कीर्ति को धक्का लगे। वही तो कर रहे हैं तुम्हारे धीर और वीर पिताश्री। मुझे विश्वास नहीं। पिताश्री, आप जैसे नरसिंह को इस प्रकार की व्याकुलता शोभा नहीं देती। आप निसंकोच मुझसे अपने हृदय की बात कहिए। यदि पुत्रवत नहीं तो मित्रवत ही कहिए। आप ही ने तो कहा था, राम तुम मेरे मित्र हो, मैं अपने प्राण देकर भी आपका दुख दूर करूंगा। राम, आप ही मुझे महाराज के दुख का असली कारण बताइए और यह भी बताइए कि उसका निवारण क्या हो सकता है। मैंने कहा ना, यदि तुम चाहो तो इनके रोग का निवारण हो सकता है। माता, आपको ये शंका क्यों है कि मैं पिता की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा? बात ही ऐसी है मां, जिस राम को आपने बचपन से अपनी गोद में पाला है, आप उसी राम पर संदेह कर रही हैं? मैंने अवश्य ही कोई घोर अपराध किया है
जिसके कारण मेरे पिता मुझसे बात नहीं करते। मेरी माता मुझ पर संदेह कर रही है। नहीं ये तो मैं जानती हूं कि तू सत्य वचन से हटने वाला नहीं, परंतु क्या मां, आप केवल संकेत कर दें तो मैं आपके चरणों के लिए अपनी चमड़ी के जूते बनवा दूं। पिता की भांति आपका भी उतना ही अधिकार है मुझ पर, इसलिए यदि वो नहीं कहते तो उनकी ओर से आप ही कहिए। मैं क्या करूं जिससे आपको संतोष हो? तुम कहते हो तो मैं बता देती हूं। तुम्हारे पिताश्री ने मुझे दो वर दिए थे और कहा था जब जी चाहे मांग लेना। आज मैंने अपने वो दोनों वर मांग लिए। अब यदि वो मेरे वर मानते हैं तो पुत्र का मोह रास्ते में आता है, यदि नहीं मानते तो धर्म और सत्य पर कलंक लगता है। ये बेचारे इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। तुम्हारे संकोचवश तुमसे कह नहीं पा रहे। वो दोनों वर क्या है माता? पहला ये है कि तुम्हारे जगह भरत का राज्याभिषेक हो, और दूसरा ये कि तुम मुनि वेश धारण करके 14 वर्ष तक वन में रहो। बस इतनी सी बात पर इतना विवाद था? ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है मां कि मुझे माता और पिता दोनों के वचनों को पालन करने का ऐसा अवसर मिला जो किसी पुत्र को बड़े भाग्य से मिलता है। भरत को राज्य देने के लिए तो मुझे किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं। उस जैसे भाई को तो मैं राज्य स्वयं प्रसन्नता से दे दूंगा। रहा वनगमन तो लगता है मेरे कोई पुण्य जाग उठे जो आपकी आज्ञा से मुझे वहां जाने का अवसर मिल रहा है जहां ऐसे ऐसे महान ऋषियों और मुनियों के दर्शन कर सकूंगा जिनका तेज तीनों लोगों को प्रकाशित कर सकता है। मां मेरा तो चारों ओर से कल्याण हो गया। पिता की आज्ञा का पालन, मां की इच्छा का अनुकरण, छोटे भाई का राज्याभिषेक और मुनि दर्शन से मेरा कल्याण। मां केवल इतनी ही बात थी ना? या और भी कोई दुख है पिताश्री को? नहीं पुत्र, तुम्हारी शपथ, भरत की सौगंध, महाराज को और कोई दुख नहीं है। अब तुम्हें इन्हें समझाओ ना कि अपने वचन का पालन करें, तुम्हें वन जाने की आज्ञा दें, संसार में निंदा और अपयश से बचें। पिताश्री मैंने आपका मनोरथ जान लिया है। अब आपको अपने श्रीमुख से आज्ञा देने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि पुत्र वही बड़भागी होता है जो पिता का मनोरथ जान लेने से ही उस पर आचरण कर सके। परंतु मुझे दुख इस बात का है कि केवल इतनी सी बात के लिए आपने अपने मन को इतनी भारी पीड़ा पहुंचाई। इसका अर्थ है कि आपको मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं, या आपको मेरे सेवक धर्म पर शंका है। पिताश्री मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने आचरण से फिर आपका पूर्ण विश्वास पा सकूं। अब आप प्रसन्न चित्त से मुझे वन जाने की आज्ञा दीजिए ताकि मैं आपके वचनों की पूर्ति करके, आपके धर्म की रक्षा करके अपना जीवन धन्य कर लूं। मैं माता कौशल्या और माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर वन जाने से पहले आपके चरण वंदना के लिए अभी आता हूं। अच्छा मां मुझे अनुमति दीजिए।
अब इसकी आवश्यकता नहीं है। मैंने रात भर विष्णु का एक लक्ष्य जप किया है। ठहर, मैं अपने हाथों से विष्णु के श्री चरणों का मंगल तिलक लगा दूं। बैठ, आसन ग्रहण कर, मैं भगवान का प्रसाद लाती हूं। देखता क्या है? बैठ जा। नहीं मां, बहुत जल्दी है क्या? अब इस आसन पर बैठना मेरे लिए वर्जित हो गया है। राज सिंहासन पर बैठने जा रहा है, इसलिए माँ का दिया हुआ आसन वर्जित हो गया? माँ, शायद तुम्हें विदित नहीं, अब मेरे लिए कुशा के आसन पर बैठने का समय आ गया है। राज करने जा रहा है या तपस्या? तपस्या। महाराज मुझे तपस्वी वेश में वन में भेज रहे हैं। मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा और महाराज अयोध्या का राज्य सिंहासन भरत को देंगे। कैसे मुस्कुराकर माँ से हंसी कर रहा है? यह हंसी नहीं, अटल सत्य है माता। मुझे पिताश्री के वचन का पालन करने के लिए इसी घड़ी वन जाना होगा। धीरज रखो माता, अयोध्या की महारानी को इस प्रकार धैर्य खोना शोभा नहीं देता। परंतु ये सब क्यों? किसने किया ये सब? राज्याभिषेक के तो स्वयं महाराज जी उत्कंठित हो गए थे। उन्होंने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से जल्दी से जल्दी शुभ समय निकलवाने को कहा था, फिर एक ही रात में उनका दृश्य क्यों बदल गया? क्यों? मुझसे अधिक कई कई की ममता है तुझ पर, फिर उसने महाराज को क्यों नहीं रोका? क्यों? ये स्वयं महारानी कैकई का ही तो आदेश है। कैकई का? हाँ माता, पिताश्री ने देवासुर संग्राम में माता कैकई को 2 वर दिए थे, अब उन्होंने वो दोनों वर मांग लिए। भरत का राज्याभिषेक और मुझे 14 वर्ष का वनवास, मुझे आज इसी क्षण जाना होगा, इसीलिए मैं आपसे विदा मांगने आया हूं माता। 14 वर्ष के लिए वन जाएगा और उसके लिए यूं अकस्मात विदा मांगने आ गया? इतनी अकस्मात तो बिजली भी नहीं गिरती मेरे लाल, और मुझे तो तेरी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसे सहज भाव से कह गया वनवास, वनवास का अर्थ भी जानता है मेरे लाल? तेरे जाने के पश्चात क्या मैं जीवित रह पाऊंगी? नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा मेरे लाल, तू कहीं नहीं जाएगा, तू कहीं नहीं जाएगा।
परंतु पिता की आज्ञा है माँ। माता का भी तो उतना ही अधिकार होता है, माता की आज्ञा के बिना तू कहीं नहीं जा सकता। परंतु माँ की भी तो आज्ञा मिल चुकी है, माता कह गई कि उन्होंने ही आज्ञा दी है। कई कई का उसमें स्वार्थ है, उसकी आज्ञा का क्या मोल है। मेरे लिए तो कह गई भी वैसी ही माता हैं जैसी आप, उतना ही मोल है उनकी बात का मेरे लिए। मैं सब कुछ नहीं सुनना चाहती, तू मेरी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाएगा। मां, मेरी जननी, मेरी मैया, माता होकर माता की आज्ञा की अवहेलना करने का आदेश दे रही हो, अधर्म के पथ पर चलने का पाठ पढ़ा रही हो। रघुकुल की कुलवधु माता कौशल्या सूर्यवंश की परंपरा भूल गई। इसी अयोध्या के राजा सगर की संतान ने पिता की आज्ञा से पृथ्वी पाताल एक करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। सत्य धर्म तथा दिए हुए वचन का पालन करने के लिए इसी अयोध्या के अधीश्वर राजा हरिश्चंद्र ने पत्नी तथा पुत्र दोनों को बीच बाजार खड़े करके बेच दिया था। पिता का वचन और माता की आज्ञा का पालन करने का व्रत ले चुका हूं, उससे विमुख करने की बात अपने मुख से कैसे निकाल रही हो माता? अपने पुत्र को पथ भ्रष्ट होने का आदेश देकर अपयश की भागी न बनो। निभा ले रघुकुल की रीति नीति, धर्म कर्म कर्तव्य का पालन कर, तो अपने धर्म का पालन करेगा, मैं माँ के धर्म का पालन करूंगी। मैं भी अपने बछड़े से बिछुड़ गैया की तरफ तेरे पीछे पीछे आऊंगी मेरे लाल, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। हाँ। नहीं माँ, आप मेरे साथ नहीं आएंगे। पहले सुहाग फिर संतान, यही आर्य नारी का महान आदर्श रहा है। स्वामी का परित्याग स्त्री के लिए बड़ी निंदा का कार्य है, आपको ऐसी बात मन में भी नहीं लानी चाहिए। आपके पति ही आपकी गति हैं, आपका धर्म है। मां, राजा हम सब लोगों के स्वामी, गुरु और ईश्वर है, उनकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। मेरे धर्मात्मा पिता को छोड़कर आप मेरे साथ वन में नहीं जा सकती। मैं वनवास पूरा करके फिर आपके चरणों में लौट आऊंगा। मां, 14 वर्ष तो पलक झपकते ही बीत जाएंगे। 14 वर्ष तेरे बिना, 14 वर्ष ठीक है, जाओ पिता का वचन पूरा करो, माता की आज्ञा का पालन करो, सबका धर्म, सबके वचन, सबके कर्तव्य पूरे हो जाएंगे। परंतु इसके बीच बीच जाएगी अकेली कौशल्या। 14 वर्ष तक तेरी बाट देखते देखते ये आंखें पथराना गई, तेरी प्रतीक्षा के बीच ये प्राण रह जाएंगे, तो 14 वर्ष के बाद तुझे देख लूंगी। हाँ, तू तो वन गमन का व्रत लेकर माँ से विदा मांगने आया है, ये नहीं जानता विदा के साथ साथ तूने माँ के प्राण मांग लिए, माँ के प्राण मांग लिए राम। माँ, माँ, सीता, सीता, मेरी बच्ची, मेरी बेटी, देख, देख क्या हो रहा है,
सकल सुख संपत्ति माता पिता सबको त्याग कर मेरा राम वनवास करने जा रहा है। तुझे कैसे समझाऊं मेरी बच्ची, ये कैसी प्रलय की घड़ी आ गई है। पति को विदा करने का समय आ गया है मेरी बच्ची। सब सुन चुकी हूँ, मैं सब जान चुकी हूँ सीता, इसलिए मैं अभी आपसे विदा मांगने आई हूँ। विदा कहाँ जाएगी? जनकपुर अपने पिता के पास? नहीं, मेरी बच्ची मैं अकेली रह जाऊंगी। मुझे छोड़ के मत जा, तू मेरे पास रहेगी। मैंने जनकपुर जाने के लिए नहीं कहा माता जी, जब मैं डोली में बैठकर विदा हो रही थी तब माँ ने कहा था अब जनकपुर से तेरा कोई नाता नहीं रहा। मैं तो अपने स्वामी के साथ वन जाने के लिए आपसे विदा मांग रही हूँ। वन? तो वन जाएगी? हाँ जाइए जाएंगे। सीते ये तुम क्या कह रही हो? वन में साथ जाने का अर्थ जानती हो? मेरे लिए आपका साथ ही सब कुछ है, फिर अर्थ और अनर्थ जाने की मुझे क्या आवश्यकता? तुम्हें अनुमान नहीं है सीते, मुलायम मखमल के नीचे जो पैर कभी नहीं पड़े वो दुर्गम वन के कांटे कंकर से भरे रास्ते पर कैसे चल सकेंगे? विषैले नाग, हिंसक वाघ, भयानक राक्षसों से भरे भीषण वन में तुम कैसे रह सकोगी? जैसे सीता के नाथ रहेंगे, मेरे प्रभु साथ होंगे तो मेरी और आंख उठाने का साहस कौन कर सकता है? उन दुस्सह दुखों को तुमने कभी देखा नहीं है सीते। दुख? आपके चरणों की सेवा से दूर रहने से बड़ा और कोई दुख मेरे लिए नहीं है नाथ। जैसे बिना जीव के देह, बिना जल की मछली, इसी प्रकार बिना रघुवीर के ये जानकी एक पल जी नहीं सकती। भावना के आवेग में आगा पीछा नहीं सोच रहे, वो जीवन बहुत दुखदाई है, बाद में पछताओगे। दुखदाई तो आपका वियोग है प्रभु, मेरे लिए तो सुख और दुख का अर्थ बस इतना ही है, जहां आप हैं वहां मेरे लिए सुख ही सुख है और जहां आप नहीं वहां स्वर्ग भी मेरे लिए नरक से अधिक दुखदाई है। नाथ, जीवन भर साथ रखने के लिए वचनबद्ध होकर क्या आपका अकेले वन में जाना अधर्म नहीं कहलाएगा? हे आर्य श्रेष्ठ, अपने धर्म के साथ मुझे भी अपने धर्म का पालन करने दीजिए। माता पिता भाई बहन सारे नाते पीछे रह जाते हैं, केवल स्त्री ही स्वामी के भाग्य का अनुसरण करती है। माँ ने समझाइए ना कि मुझे छोड़कर ना जाए। राम, तू मुझे अभी स्त्री का धर्म बता रहा था कि स्त्री का सर्वस्व पति के चरणों में होता है, फिर सीता के लिए वो आदर्श वो धर्म दूसरा कैसे हो सकता है? माँ, वनवास स्त्रियों के लिए नहीं है। नाथ, यदि आप मुझे अपने साथ ले जाना नहीं चाहते तो आपको एकदम रुकना पड़ जाएगा। क्यों? मेरी चेता को अग्नि कौन देगा? सीते, ये ठीक कह रही है राम, अगर सीता की प्राणों की रक्षा चाहते हो तो इसे अपने साथ ले जा। मैं अकेले रह जाऊंगी। ठीक है सीते, चलने की तैयारी करो।
भैया 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 भैया, जो मैं ये सुन रहा हूँ क्या सच है कि कई के कहने पर महाराज ने आपसे राज छीन लिया? लक्ष्मण, माता कैकई को कैकई कहकर कब से पुकारना सीख लिया तुमने? आप बुलाओ उसे माता, मैं उस कुल घटनी को माता नहीं कहूंगा और मैं यह न्याय भी कभी नहीं होने दूंगा। भैया, मेरा यह धनुष केवल शोभा की वस्तु नहीं है, मैं इस धनुष से महाराज की चतुर्गणी सेना का अकेला सामना कर सकता हूँ। लक्ष्मण, महाराज ने क्या समझा है? राम बड़ा विनयशील है, वो चुपचाप सब कुछ सहन कर लेगा। उन्हें नहीं मालूम कि राम के नाम पर मर मिटने वाले लोग चुप नहीं रहेंगे, सारी जनता विरोध कर देगी। और फिर जनता की भी क्या आवश्यकता है, उनका ये दास लक्ष्मण अकेला ही महाराज और उनकी पूरी सेना के लिए पर्याप्त है। और भरत भी आ गया तो उसे भी छठी का दूध याद दिला दूंगा। चुप रहो लक्ष्मण, अनर्गल बातें मत करो। आप बीच में मत पड़ो भैया, अन्याय सेना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। शत्रु वार करे और क्षत्रिय उसका उत्तर न दे, ये उसकी वीरता पर धिक्कार है। जो राज सिंहासन प्रजा में घोषणा करके आपको दिया जा चुका है, उस राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी कोई नहीं हो सकता, स्वयं महाराज भी नहीं। भैया, आपका ये लक्ष्मण यदि मर नहीं गया तो उस सिंहासन पर महारानी सीता के साथ आप विराजमान होंगे। महाराज दशरथ और उनके चहेते भरत दोनों आपके दरबार में करबद्ध खड़े होंगे। वाह वाह, कितना सुंदर चित्र है। पिता हाथ बांधे सामने खड़ा है और पुत्र अपनी पत्नी के साथ आसन पर बैठा उन्हें आज्ञा दे रहा है। आकाश से उतरकर देवता भी आएंगे इस दृश्य को देखने के लिए कि अयोध्या में मानव सभ्यता ने कितनी उन्नति कर ली है। परंतु जब पिता ही अपने आचरण से गिर जाए, अपने धर्मात्मा पुत्र को एक स्त्री के सामने। मत करो लक्ष्मण, बस यदि तुम्हारे इतने ही नीच विचार हैं तो मुझे भैया कहना छोड़ दो, और आज के बाद मुझे अपना मुंह न दिखाना। भैया, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके बिना कैसे जीवित रहूंगा? भैया, आप मेरे भगवान हैं। आपके साथ कोई अन्याय करे, आपके साथ कोई अत्याचार करने की बात करे, मैं कैसे चुप रहूं? यह तुमसे किसने कह दिया कि मुझ पर कोई अन्याय हो रहा है या मुझ पर कोई अत्याचार हो रहा है? ये बातें जो तुमने कही, अत्याचार तो ये है जो तुम अपने बड़े भाई पर कर रहे हो और अपने पिता पर कर रहे हो। पिता पर? हाँ, पिताश्री पर। उनकी पीड़ा को समझते हो? जानते हो कि उनकी समस्या क्या है? जानते हो कि उन जैसा धीर वीर पुरुष इस समय किस धर्म संकट में है? जो स्त्री मोह में फंसेगा उसकी यही दशा होगी। उनका संकट स्त्री मोह नहीं है, उनका संकट है धर्म। हाँ, धर्म। आज एक सत्यवादी राजा का धर्म एक पिता के धर्म से टकरा रहा है। वो सत्य का पालन करें या पिता के धर्म को निभाएं, यही समस्या उनके दुख का कारण है। एक राजा ने किसी को वचन दिया कि जो मांगे वो दूंगा, और मांगने वाले ने वो वचन मांगा है जिससे राजा को अपने सबसे प्रिय पुत्र का बलिदान करना पड़ रहा है। यदि वो वचन को तोड़े तो न केवल अपने सुकृत नष्ट करें बल्कि संपूर्ण कुल की कीर्ति को कलंक लगा दें, और यदि वो वचन रखें तो वो पुत्र जिसके बिना वो जीवित नहीं रह सकते उसे वन के कांटे कंकर में धकेल दें 14 वर्ष के लिए। लक्ष्मण, तुम उनकी पीड़ा क्यों नहीं समझते? उनकी अवस्था आज उस घायल शेर की तरह है जो किसी शिकारी के जाल में फंस गया है, और ऐसे असहाय शेर पर तुम अपने तीर चलाकर अपनी वीरता दिखाना चाहते हो। धिक्कार है ऐसी वीरता पर। ऐसे धर्मात्मा पिता के बारे में ऐसा सोचकर भी तुमने पाप किया है जिसका प्रायश्चित हम सबको करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। उन्हें यदि अपने धर्म की चिंता ना होती तो आज वो इतने दुखी ना होते। आ
आज जब मैंने उन्हें इतनी निस्सहाय अवस्था में देखा तो मुझे अपने ऊपर ग्लानि हो आई कि मेरे कारण मेरा वीर महान और धर्मात्मा पिता इतना दुखी है। मैंने अपना कर्तव्य निश्चित करने में एक पल की भी देरी नहीं की, क्योंकि पुत्र होने के नाते मेरा एक ही कर्तव्य है कि मैं वही काम करूं जिसमें उनके सत्य, उनके धर्म, उनकी प्रतिज्ञा की क्षति ना हो, बल्कि उनकी कीर्ति बढ़े, उनका यश मलिन ना हो। लक्ष्मण, हमारे जैसे पिता तो किसी को बड़े भाग्य से मिलते हैं, परंतु यदि किसी का पिता दुराचारी भी हो, चाहे संसार उसे त्याग भी दे, तो भी पुत्र का धर्म है कि वो अपने पिता को भगवान की तरह पूजे, क्योंकि पिता मनुष्य का प्राणदाता होता है। लक्ष्मण, जब पिता की भक्ति नहीं करते देवता, तो क्या स्वयं भगवान भी उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करता? भैया, तो क्या माता कैकेयी के इस अन्याय को हम चुपचाप सहलेंगे? मैं माता कैकेयी को दोषी नहीं मानता भैया। हाँ लक्ष्मण, बचपन से लेकर आज तक माता कैकेयी ने हमें कितना स्नेह, कितना दुलार दिया है वो भूल गए? वो तो निश्चल प्रेम की एक ऐसी पवित्र नदी है जिसमें सदा स्नेह की लहरें उठती रहती थी। ऐसे निश्चल पवित्र प्रेम की नदी एक दिन में कैसे सूख गई, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। संसार में बहुत सी अनहोनी बातें ऐसी होती हैं जो मनुष्य की समझ में नहीं आती। अकस्मात एक दिन कोई भूकंप आता है जो मनुष्य के जीवन को उथल पुथल कर देता है। ऐसे समय किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए, उसे दैववश मानकर, अपना प्रारब्ध मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। आज जो हो रहा है वो होनी करा रही है। जो विधना है जिसने माता कैकेयी जैसी स्नेहमयी और पुण्यशीला स्त्री को ऐसी बुद्धि दे दी है। यदि यह होनी है तो मैं होनी से भी नहीं हारना चाहता। वीरों के पुरुषार्थ की परीक्षा ऐसे ही आपत्ति काल में होती है। आपत्ति काल में केवल वीरता की ही परीक्षा नहीं होती, मनुष्य के धर्म की भी परीक्षा होती है। लक्ष्मण, वीरता केवल शस्त्र उठाने को ही नहीं कहते, कभी कभी शस्त्र न उठाना परमवीरता की निशानी हो सकता है। रख दो ये धनुष और इसे मेरे जाने के पश्चात राजा भरत की सेवा में धारण करना। आपके जाने के पश्चात इसका क्या अर्थ है? यदि आप बन जाएंगे तो मुझे भी जाना होगा। नहीं लक्ष्मण, नहीं, वनवास मुझे हुआ है, तुम्हें नहीं। मुझे? अर्थात भैया, लक्ष्मण को आप कब से अपने से अलग समझने लगे? आप ही ने कहा था जहां राम है वहां लक्ष्मण, आप ही ने कहा था लक्ष्मण मेरी दूसरी अंतरात्मा है, जो भोग राम भोगेगा वो लक्ष्मण भी भोगेगा। लक्ष्मण, भरत शत्रुघ्न भी यहां नहीं है, गुरु, माता पिता, सगे स्नेही व परिवारजन, इन सबको कौन सहारा देगा? भैया, मेरे तो गुरु, माता, पिता, सगे स्नेही केवल आप हैं। मेरा धर्म, कर्म, गति, सदगति सब कुछ आप में निहित है। आपसे अलग तो मैंने अपनी कभी कल्पना की ही नहीं। क्रोध के आवेश में आकर यदि मैंने कोई अनुचित बात कही हो तो मुझे क्षमा करे भैया, इतना क्रूर धन मुझे ना दो, मेरा त्याग ना करो, मुझे अपने से अलग मत करो भैया, मुझे अपने से अलग मत करो, मुझे अपने साथ ले चलो। लक्ष्मण, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकूंगा, माता सुमित्रा क्या कहेंगी? सुमित्रा माता क्या कहेंगी, ये तुम नहीं जानते रघुनंदन। मां, मुझे बन जाने से ना रोकना। वन या नगर से तुम्हें क्या लेना है? तुम्हारे लिए तो जहां राम है वहीं तुम्हारी अयोध्या है। यदि सीताराम वन जाते हैं तो इस अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं। मां, आज तूने मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है। परंतु मुझे तुम पर तब गर्व होगा जब 14 वर्ष के बाद मैं ये सुनूंगी
कि तूने अपने बड़े भाई की सेवा में कोई त्रुटि नहीं की। आज से मैं नहीं, सीता तुम्हारी माता है और राम तुम्हारे पिता। ये सो जाए तो पहरा देना, ये खा ले और यदि कुछ बच जाए तो खाना। इनके रास्ते के कांटे अपनी आंखों से चुनना। इतनी सेवा करना कि सीता महलों के सारे सुखों को भूल जाए। लक्ष्मण, इतना याद रखना, संसार में सेवक का धर्म सबसे कठिन धर्म है। धन्य सुमित्रा, तू धन्य है, धन्य है तेरी को। अपने दोनों लाल बड़े भाइयों की सेवा में समर्पित कर दी। तेरा अनुपम त्याग, अनूठा धैर्य देखकर मेरे दुर्बल मन को सहारा मिल गया। नहीं दीदी, महान तो आप है, आप ही से तो हमने सीखा है। राम बेटे, मैं लक्ष्मण को तुझे सौंप रही हूं। सुमित्रा उर्मिला की धरोहर है, जैसे लेकर जा रहे हो वैसे ही मुझे लौटाना। माँ, आप चिंता न कीजिए, लक्ष्मण को मैं अपने प्राणों से भी अधिक सहेज कर रखूंगा। मंगल भवन अमंग शरथ अजीर बिहारी, सीता राम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। बात का आभास भी नहीं होना चाहिए कि तुम हमारे साथ जाना चाहती हो, तो फिर वो मुझे भी नहीं ले जाएंगे। देखो, मुझे वहां सेवक का धर्म निभाना है, मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकूंगा। आप मेरी सेवा करें, उसकी आवश्यकता नहीं। मैं तो इसलिए जाना चाहती हूँ कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। जब थककर कुटिया में आएंगे तो चरण सेवा करूंगी। लक्ष्मण जब थककर कुटिया में आएगा तब ना। सुना नहीं माँ का आदेश, दिन भर सेवा करना, रात में जब प्रभु सो जाए तो पहरा देना। तो फिर कुटिया में आने का समय ही कहां होगा। इस समय हम दोनों का कर्तव्य सबसे कठिन है, मुझे प्रभु की सेवा करनी है और तुम्हें माता कौशल्या की। हाँ उर्मिला, जिनका पुत्र और बहू दोनों वन को चले जाएंगे उनकी मन की दशा क्या होगी। उर्मी, केवल तुम ही उन्हें अपनी सेवा और स्नेह से जीवित रख सकती हो।
नहीं तो वो 14 वर्ष नहीं जिएंगी। मैं माता कौशल्या को जीवित रखने का उत्तरदायित्व तुम्हें सौंपता हूं। एक और प्रार्थना है, जब हम वन को जाएं तो तुम्हारी आंखों में आंसू ना हो। हाँ, मैं जाते हुए उस छवि को अपने हृदय में अंकित करके ले जाना चाहता हूं जो 14 वर्ष तक मुझे प्रेरणा देती रहे। मैं देखना चाहता हूं एक वीर कर्तव्य परायण उर्मिला का मुस्कुराता हुआ चेहरा। बड़ा कठिन काम बता रहे हैं आप। मैं जानता हूं उर्मिला ने कितना बड़ा बलिदान दिया, इस बात को कोई नहीं जानेगा, परंतु तुम्हारा लक्ष्मण जानेगा। जो आंसू संसार नहीं देख पाएगा, लक्ष्मण उन आंसुओं का सदैव ऋणी रहेगा। उर्मी, क्यों भैया, क्या ये सच है कि राम का राजतिलक नहीं होगा? नहीं होगा। हाय हाय, ये कैसा अनर्थ हो गया भैया। विधाता ही विपरीत हो गया, अमृत दिखा के विष दे दिया। अरे भैया, ये क्यों नहीं कहते हो कि बूढ़े राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है? भ्रष्ट कहां, राम के बिना ग्रास नहीं तोड़ते थे और अब जोरू के कहने से बूढ़ों ने वनवास दे डाला। अरे भैया, ये तिरिया चरित्र जो न करा डाले सो थोड़ा है, एक ही रात में सारा उलट पुलट कर डाला। राम को देश निकाला और भरत को राज। हो न हो, इसमें भरत की भी मिली भगत है। इस कुटिल चालीन माँ के कारण ही उन्हें कलंक लगेगा, वरना राम जी तो उन्हें प्राणों से भी प्यारे थे। अरे भैया, राम तो सभी के प्राणों के प्यारे हैं। अयोध्या के दुलारे राम जब यहाँ नहीं रहेंगे तो फिर कौन रहेगा अयोध्या में? चलो चलते हम लोग राजमहल। चलो चलो। मैंने सब पता कर लिया है, राम वनवास जाने को बिल्कुल तैयार है, साथ में सीता और लक्ष्मण भी जा रहे हैं। सच? ये रास्ते का पत्थर अपने आप ही दूर हो गया। ये लक्ष्मण ही बड़ा उपद्रवी था। ये देख, मैंने सब तैयार कर लिए। ये क्या है? ये मुनियों के वस्त्र। बेचारे कहाँ ढूंढते फिरेंगे, मैंने सब इकट्ठे कर लिए। ये तो तूने अति उत्तम किया मंथरा। आ गई। गुरु माता पधारी हैं, धन्य भाग हमारे। रानी के कही, ये क्या अनर्थ कर रही हो? कोने कोने से एक ही स्वर गूंज रहा है कि राम के बिना अयोध्या अयोध्या नहीं रहेगी, विधवा अभागिन के समान हो जाएगी। फिर किस अयोध्या नगरी पर राज कराओगी भरत से? और क्या भरत इस कुटिल अनीति से प्रसन्न होगा? क्यों नहीं होगा, वही तो राज्य करने की योग्य है। गुरु माता, जिस टाल पर बैठी हो उसी पर कुठाराघात करके जीवन भर पछताने के सिवाय और कुछ हाथ नहीं आएगा। मेरे हाथ में क्या आएगा और मेरे हाथ से क्या जाएगा, इसका विचार यदि आप ना करें तो उत्तम होगा, अन्यथा मुझे शिष्टाचार की सीमा लांघने पर विवश होना पड़ेगा। अत्याचार की सीमा को पार करने वाली नारी तू क्या शिष्टाचार करेगी? याद रख रानी कैकेयी, संसार में लोग जब जब सौतेरी माँ की क्रूरता का उदाहरण देंगे तब तेरा ही नाम लेंगे। कभी कोई माता पिता अपनी कन्या का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा गुरु माता, और कोई इस नाम को रख भी नहीं सकता। कैकेयी एक ही हुई है, कैकेयी एक ही रहेगी। महाराज की जय हो। राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण अपनी सारी संपत्ति दान करके महलों को त्याग कर वन गमन के लिए तैयार होकर आए हैं। दोनों भाई कुलवधू सीता के साथ द्वार पर खड़े हैं, आपके दर्शन की आज्ञा चाहते हैं। सुमंत्र, उन्हें तुरंत लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। पिताश्री, मैं दंडकारण्य में जाने से पहले
आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। मेरे साथ लक्ष्मण और सीता को भी वन जाने की आज्ञा दीजिए। क्या लक्ष्मण, सीता? नहीं नहीं नहीं, मैंने इन दोनों को रोकने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु इन्होंने अपना हट नहीं छोड़ा। आप शोक का त्याग कर दीजिए पिताश्री, और हमें जाने की अनुमति दीजिए। मैं 14 वर्ष तक वन में रहकर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेने पर फिर आपके चरणों में शीश नवाऊंगा। नहीं नहीं राम, तुम वन में मत जाओ। कैकेयी को दिए हुए वचनों से मैं बंधा हूं। तुम नहीं, तुम वीर हो, इसलिए धर्म पूर्वक दिए गए इस राज्य को मेरा विरोध करके छीन क्यों नहीं लेते? पिताश्री, मैं जानता था आप यही कहेंगे। मैं आपकी महानता को जानता हूं। आप अपने यश, अपनी कीर्ति, सारे जीवन की तपस्या और सत्कर्मों का इसलिए बलिदान कर देना चाहते हैं जिससे आपके पुत्र के साथ अन्याय ना हो। जिसका ऐसा महान पिता हो, उस पुत्र का भी तो यही कर्तव्य है कि वो अपने पिता की महानता पर आंच ना आने दे। यदि मुझे पितृज्ञा उल्लंघन करने का पाप भी लगे, तो भी मैं वो कार्य कदापि नहीं करूंगा जिससे आपकी विमल कीर्ति को धब्बा लगे। तुम अपने पिता को सत्यवादी बनाना चाहते हो, उसके लिए तुम सब कुछ सहन कर सकते हो, परंतु मैं राजमहल में रहूं और तुम वन के दुख भोगो। नहीं वत्स, नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलूंगा। पिताश्री, आप ही ने तो कहा था कि राजा प्रजा की धरोहर होता है, इसलिए पुत्र मोह में अपनी प्रजा को निसहाय छोड़कर आप कैसे जा सकते हैं? आप मेरे दुख की चिंता न कीजिए। सुख और दुख तो केवल मन की स्थिति का नाम है। मैंने तो अपने मन को वन के सुखों की ओर आकर्षित कर भी लिया है। शास्त्र ने पिता को देवताओं का भी देवता माना है। आपको देवता मानकर मैं अपने वनगमन को आपकी पूजा समझता हूं। मुझे वनगमन की आज्ञा दीजिए जिससे मैं समझूं कि आपने मेरी पूजा स्वीकार की। ओह, ये विधि की कैसी घोर विडंबना है, कैसे धर्म संकट में फंस गए दशरथ के प्राण। मैं जी भी नहीं सकता और मर भी नहीं सकता। ठीक है, कैसी विधाता की इच्छा। सुमंत, हमारी आज्ञा है। चतुरांगणी सेना अंगरक्षक की भांति राम के पीछे पीछे वन में जाएगी। अयोध्या का पूरा राजकोष, अन्न भंडार इनके साथ जाने चाहिए, जिससे ये वन के पावन प्रदेश में ऋषियों मुनियों के साथ यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, पर्याप्त दान दक्षिणा देकर सुखपूर्वक रहेंगे। हमारी आज्ञा का पालन किया जाए। महाराज, यदि सारी सेना, राज का सारा कोष राम के साथ चला जाएगा, तो इस श्रीहीन, धनहीन और उजड़े हुए अयोध्या का राज मेरा पुत्र भरत कभी स्वीकार नहीं करेगा। आप कान खोलकर सुन लीजिए, आप वचन हार चुके हैं, भरत को राजा स्वीकार कर चुके हैं, और फिर बिना राजा के अनुमति के आप राज्य की कोई भी वस्तु राज्य के बाहर भेजने का क्या अधिकार रखते हैं? मेरे वर के अनुसार राम को तापस वेश में 14 वर्ष तक मुनियों की तरह वन में रहना है। इन्हें तो ये राजसी अलंकार, वस्त्र आभूषण सारा कुछ यही त्याग कर जाना चाहिए, इसलिए मैंने इनके लिए मुनियों के वस्त्र भी मंगवा कर रखे हैं। मंथरा, ये राम के लिए। देवी कैकेयी, क्रूरता की भी एक सीमा होती है। तुम्हारा यह आचरण देखकर मेरा भी मन करता है कि मैं अयोध्या और राज को त्याग कर श्री राम के साथ वन में चला जाऊं। तुमने जो अपने पति की दुर्गति कर रखी है, उसके फल स्वरूप न जाने तुम्हें क्या क्या नरक भोगने पड़ेंगे, परंतु शायद इसमें तुम्हारा दोष न हो,
क्योंकि नीम के पत्ते निचोड़ने से शहद नहीं निकलता। तुम्हारी माता ने भी अपने पति के साथ तिरिया हट करके अपनी ही दुर्दशा कराई थी। आर्य सुमंत्र, अपनी मर्यादा में रहें तो अति उत्तम होगा। आर्य सुमंत्र, माता कैकेयी ठीक कह रही हैं। हमें यहीं से मुनिवेश में जाना चाहिए। राज्य के साथ मैं सर्वस्व राजसी भोगों का भी त्याग कर चुका हूं। लाइए माता, अपने आशीर्वाद के साथ हमें यह मुनिवस्त्र प्रदान कीजिए। ये लक्ष्मण के लिए। ये तुम्हारी बहू सीता के लिए। भैरव देवी कैके, तुम्हारे त्रियाहट ने पति के मर्यादा तो नष्ट कर दी, परंतु रघुवंश की मर्यादा तो भंग न करो। सीता तुम्हारी पुत्र वधु है। रघुवंश की शोभा, सूर्यवंश की लाज, उसके उत्तम वस्त्र और आभूषण उतार कर उसे मुनि वस्त्र देते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपते। तुमने केवल राम के लिए वनवास का वर मांगा था, इसलिए सीता राजकुमारियों के तरह पूरे राजसी ठाट से वन में रहेगी। यह हमारी आज्ञा। गुरुदेव ठीक कहते हैं, सीता जहां रहेगी राजरानी की तरह रहेगी। मैंने महाराज जनक को वचन दिया था कि सीता का अयोध्या की महारानी की तरह आदर सत्कार किया जाएगा। सीता पुत्री, तुम वन में भी एक महारानी की भांति ही रहोगी। क्षमा पितृदेव, क्षमा गुरुदेव, आप गुरुजनों से मेरा केवल इतना ही निवेदन है, जिसका पति तपस्वी वेश में रहेगा, उसकी पत्नी राजसी ठाट से जीवन बिताए, क्या उसको शोभा देगा? क्या ये स्त्री धर्म के अनुकूल है? क्या इससे मेरे पिता की शोभा बढ़ेगी या मेरे ससुराल के कुल का यश बढ़ेगा? माताजी, मुझे ये वस्त्र प्रदान कीजिए और सिखाइए इन्हें कैसे पहना जाता है। आओ बहुरानी, मैं सिखाती हूँ, मैं पहनाती हूँ। आओ, आ जाओ, आओ, आओ। आओ, रखो, आओ चल। ये वस्त्र तुझे बहुत पसंद है ना? हाँ, आ, मैं पहनाती हूँ। उतार दे ये वस्त्र, उतार दे ये आभूषण, चल निकाल, चल। नहीं सीते, तुम भले ही मुनि वस्त्र धारण करो, परंतु आभूषण नहीं उतारोगी। एक सुहागिनी स्त्री के लिए आभूषण रहित होना अब शकुन की बात है। जो आ गया गुरु माता। राम के बिना अयोध्या सूनी हो जाएगी, शमशान हो जाएगी, फिर उजली हुई अयोध्या का राज देना अपने भरत को। हम यह अन्याय नहीं होने देंगे। नहीं, नहीं विधाता,
ये दृश्य देखकर भी मेरे प्राण क्यों नहीं निकले? जानकी पुत्री, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तू वन में ना जा। मैं महाराज जनक को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं समझता हूं यह कैकेयी जैसी क्रूर सास हो, तू वहां नहीं रहना चाहती। तो मेरी लक्ष्मी, तू अपने पिता के घर चली जा। वन के असहनीय कष्ट तुझसे नहीं सहे जाएंगे मेरी बच्ची। तू वन में ना जा मेरी बच्ची, तू वन में ना जा। प्रभु, मेरे प्राण तो इनके साथ ही चले जाएंगे, फिर मेरे मृत शरीर को रखकर आप क्या करेंगे? पिताश्री, मुझ पे अनुग्रह कीजिए, पति चरणों की सेवा से मुझे वंचित ना कीजिए। राम, तुम जितना विलंब करोगे तुम्हारे पिताश्री उतने ही विचलित होते चले जाएंगे, इसलिए अधिक विलंब करना उचित नहीं। अब तुम शीघ्र ही वन के लिए प्रस्थान करो। हाँ माता, आप ठीक कहती हैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं आपके वचन का पालन करके आपको सुख दे सकूं। जीते रहो। गुरुदेव, आज्ञा दीजिए। राम, तुम्हारी कीर्ति का सूर्य अनंत काल तक दीप्तिमान रहे। पितृ परमेश्वर, हमें आशीर्वाद देकर विदा कीजिए। आशीर्वाद देने का भी अधिकारी नहीं रहा दशरथ। ऐसा पिता न किसी काल में हुआ और न होगा। आप शोक न करें पिताश्री, आप जैसे आदर्श राजा और धर्मपालक पिता पर हमें सदा गर्व रहेगा। जाने से पहले एक निवेदन है आपके श्री चरणों में। मेरी माता देवी कौशल्या मेरे जाने से बहुत व्यथित हो रही हैं। उन्हें धीरज बंधाइएगा, उनका ध्यान रखिएगा और उन पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। सौभाग्यवती भव। आओ चले। सुमंत, तुम ही उन्हें रोको। महाराज, यदि ऐसा संभव हो तो मैं आजीवन इनके बदले वन भोगने के लिए तैयार हूं। सुमंत, तुम उनके साथ जाओ, उन्हें पैदल मत जाने दो। तुम स्वयं रथ पर लेकर जाओ, थोड़े दिन साथ रहकर जंगल दिखाकर समझा बुझा कर लौटा कर ले आना। Thank you.
मंत्र जाओ, सीता के कोमल चरण पैदल चलने योग्य नहीं, रथ पर बैठा कर ले जाओ। दशरथ की आंखें केवल तुम्हारे लौट कर आने की राह देखती रहेंगी। वो आ गए। नहीं राम, तुम हम लोगों को छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे बिना अयोध्या सूनी हो जाएगी। तुम हमारे राजा हो राम। हाँ राम, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। हम विद्रोह करेंगे। हाँ, हम विद्रोह करेंगे। 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 किसके विरुद्ध विद्रोह करेंगे आप? एक अन्यायी राजा के विरुद्ध। अपने राजा के विरुद्ध विद्रोह की बात सोचकर भी आप सबको लज्जा आनी चाहिए। जो राजा अपने सत्य के वचन के पालन के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर सकता है, ऐसे सत्यव्रती आदर्श राजा पर तो उसकी प्रजा को गर्व होना चाहिए। आपके राजा ने आपको आज तक पुत्र की तरह पाला है, क्या आज आपका यह धर्म नहीं कि पिता की तरह उनका आदर करें? आज वो मन से दुखी हैं, तब आप सबको चाहिए कि पुत्र बनकर उन्हें सांत्वना दें, ना कि उनके विरुद्ध विद्रोह की बात करें। जो मेरे हित में है उन्हें ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि मेरे हितैषी वही हैं जो इस वक्त वही काम करें जिससे मेरे पिता को सुख मिले। अब आप प्रसन्न मन से मुझे विदा कीजिए और मेरे जाने के पश्चात राजा भरत को राज्यभार संभालने में सहयोग दीजिए। यही मेरी आप सबसे विनती है। अरे सुमंत्र, रथ चलाइए। नहीं, हम यहां नहीं रहेंगे। जहां आप रहेंगे वही हम रहेंगे। जहां आप रहेंगे वही हमारी राजधानी होगी और श्री रामचंद्र जी हमारे राजा होंगे। और श्री रामचंद्र जी हमारे राजा हैं। बोलो श्री रामचंद्र की जय। 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 राम जा रहा है, मेरा राम जा रहा है। मेरे राम को रोको, मेरे राम को रोको, मेरे राम को रोको। राम राम राम, मेरे राम को रोको, मेरे राम को रोको। मेरे राम, हट जा मेरे सामने से। जान डालिनी, आज इसी समय हम तुम्हारा परित्याग करते हैं। हम सबके सामने ये घोषणा करते हैं कि विवाह के समय हमने पवित्र अग्नि के सामने जो वचन दिए थे सब समाप्त हो गए। इसके पश्चात इस लोक और परलोक में भी तुम्हारा मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। आज से अपने आप को विधवा समझ तू, विधवा। हम सबके सामने ये भी घोषणा करते हैं कि यदि भरत तेरी कुमति का अनुसरण करके अपना राज्य अभिषेक करा ले तो मेरी मृत्यु के पश्चात उसके हाथ से अर्पण किया हुआ जल भी मुझे प्राप्त न हो। मुझे प्राप्त न हो, प्राप्त न हो। कौशल्य रो मत, कौशल्य मुझे अपने भवन में ले चलो, जहां मेरे राम की स्मृतियां चारों ओर बिखरी हुई हैं। मुझे वहीं ले चलो, वहीं ले चलो राम की माता, वहीं ले चलो। सूरज जैसे ज्योति बिंदु
सूर्यास्त होने को आया, आप लोग कब तक हमारे पीछे इस तरह आएंगे? केवल 14 वर्ष तक। नहीं भाई, यह उचित नहीं है। मेरी प्रार्थना है आप लोग वापस लौट जाइए। हे राम, उचित और अनुचित सोचने का समय बीत चुका है। हम यह दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि आप ही हमारे राजा हैं। आप जहां रहेंगे उस स्थान को हम अपनी राजधानी बनाकर आपकी सेवा में रहेंगे। बस हम आपको कोई दुख नहीं देंगे। जितना हो सकेगा हम अपने राजा राम और रानी सीता को सुख पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। क्या यह भी अनुचित है? हाँ है, क्योंकि इससे माता कैकेयी की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। वो मुझे अयोध्या वासियों को भड़काने का अपराधी भी मान सकती हैं। यदि आप लोगों की देखा देखी और लोग भी अयोध्या छोड़कर आ गए तो भरत क्या सोचेगा? सोचने दीजिए, उसकी हमें कोई चिंता नहीं। राम, भगवान भी अपने सच्चे भक्तों को नहीं दुत्कारता, उनकी सेवा के आगे वो भी झुक जाता है। और उसी प्रकार आपको हमारी बात माननी पड़ेगी राम। और ये भी सुन लीजिए, हमारा निश्चय अटल है। अटल है, हमारा निश्चय अटल है। 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 अच्छी बात है, अभी तो सूर्यास्त होने को आया, सबके संध्या वंदन का समय हो गया। आज रात यहीं तमसा नदी के किनारे विश्राम करते हैं, प्रातः उठकर कोई निर्णय लेंगे। आर्य सुमंत जी, घोड़े खोल दीजिए। जो आज्ञा महाराज। मंगल भवन अमंगल
बाजीर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस अरु अति मन भावन। न बुझाए